hello and welcome to this PMIS academy today we will analyze important newspaper articles of 26th august 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is about india greece strategic partnership this topic is important from our syllabus gs paper to international relations point of view so just आर्टिकल का हेडिंग पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इंडिया और ग्रीस ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है आपस में तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है तो देखिए दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में अलग अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट हो सकती है उसमें जो सबसे फॉर्मल या कंक्रीट अग्रीमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं अलायंस सिस्टम अलायंस सिस्टम क्लियरली डिफाइंड होता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और अलायंस सिस्टम में देखा जाता है कि नॉर्मली एक पावरफुल कंट्री दूसरे रिलेटिवली वीकर कंट्रीज के साथ अलायंस अग्रीमेंट साइन करता है ताकि जो पावरफुल कंट्री है वो अपने डोमिनेंस को इंजॉय करे जबकि जो वीकर कंट्रीज होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि उनको थोड़ा बहुत टेरिटोरियल प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिल जाए उस पावरफुल कंट्री से

अलायंस सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है कोल्ड वॉर के टाइम में जो दो पावर ब्लॉक्स बनाए गए थे यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक यूएस ब्लॉक के अंदर ऑफ कोर्स अमेरिका वाज़ द पावरफुल स्टेट और बाकी सारे जो कंट्रीज उसके साथ ज्वाइन हो रहे थे जिन्होंने नाटो की मेंबरशिप में पार्टिसिपेट किया या फिर बगदाद पाकिस्तान किया तो ये सब जो है जो अमेरिका के साथ एक अलायंस सिस्टम एंटर हो रहे थे

वो फिर दूसरे पावरफुल कंट्रीज के साथ अलायंस साइन करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटोरियल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट अलायंस सिस्टम का मौजूदा टाइम में एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है जापान और यूएस का अलायंस सिस्टम देखिए जापान और यूएस ने आपस में एक अलायंस एग्रीमेंट साइन किया था 1959 में हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के अंत में नो you know कि यूएस यूज्ड एटम बम ओवर जापान पर जापान के लोगों ने उस एटम बम का जो इस्तेमाल किया यूएस ने जापान के ऊपर उसको उन्होंने अलग तरीके से लिया अपने लाइफ में क्रिटिकली एनालाइज किया एंड दे ब्लेम्ड फर्स्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कैटेस्ट्रॉफी जापान ब्लेम्ड बिकॉज जापान ने ये रियलाइज किया कि जापान हैड नो रियल इंटरेस्ट इन वर्ल्ड वॉर टू बट अननेसेसरीली पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर टू इन इंटरेस्ट ऑफ समेरिटोरियल एक्सपेंसन इन इंटरेस्ट ऑफ बिकमिंग लाइक ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी तो जापान की गलती थी ऐसा जापान के लोगों ने माना और इसी कारण से जब उनके ऊपर आटम बम का अटैक हुआ उसके बाद जापान ने सरेंडर भी किया उसके बाद से जापान ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के बदल डाली वर्ल्ड वॉर टू के बाद से उन्होंने कोलोनियल टेंडेंसी को छोड़ दिया जो भी उनके एक्स्ट्रा रीजनल टेरिटरीज थे जापान से बाहर उस पर उन्होंने अपना क्लेम गिवअप कर दिया प्लस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से रीफ्रेम किया जहां पे उन्होंने अपने ऊपर लिमिटेशन लगाया कि जापान विल नाउ नॉट हैव एनी ऑफेंसिव मिलिट्री फोर्सेस ऑफेंसिव मिलिट्री फोर्सेस मतलब ऐसे आर्मी जापान के पास नहीं होगी जिसके पास कैपेबिलिटीज होगी किसी दूसरे देश को अटैक करने की जापान विल हैव मिनिमलिस्ट डिफेंसिव फोर्सेस जो जापान को प्रोटेक्ट करने में काम आएगी इफ सम एक्सटर्नल अटैक की नई अप्रोच आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद पॉलिटिक्स वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इंटू टू मेन पावर ब्लॉक्स एक तीसरा मूवमेंट भी चल रहा था नैम बट जपान वॉज वेरी क्लोज टू द रसियन टेरिटोरी ईस्टर्न रशियन टेरिटरी और इस कारण से जापान के ऊपर यूएसएसआर के अटैक का थ्रेट एक परमानेंट तरीके से बना हुआ था तो इसी कारण से मजबूरी में जापान ने क्योंकि उसके पास अपने ऑफेंसिव फोर्सेस तो थे नहीं तो जापान के पास ओवरऑल मिलिटरी स्ट्रेंथ उसके काफी कमजोर थी और उसके ऊपर एक थ्रेट बना हुआ था यूएसएसआर का अटैक का विच कूड हैपन एनी टाइम बिकॉज ऑफ अ क्लोज जोग्राफिकल अप्रॉक्सिमिटी बिट्वीन द टू Countries. तो इसी कारण से फिर जापान ने 1959 में एक अलायंस एग्रीमेंट साइन किया मौजूदा टाइम में अगर आप देखेंगे तो यही जापान की फॉरन पॉलिसी का एक मेजर डिटर्मिनेंट है जापान आज के टाइम में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ढूंढ रहा है जपान नाउ नोज की as long as it remains under the shadow of the us it won't be able to follow its strategic autonomy in foreign policy making and until and unless a country is autonomous in foreign policy making it might not be able to frame policies in line with its national interest in a complete manner तो आजकल आप देखोगे कि जापान जो है अब धीरे धीरे अपनी इस जो पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट में जो पॉलिसी है फोर्सेस को रिस्ट्रेन करने की उसको बदलने की बातचीत कर रहा है बट आई होप द अलायंस सिस्टम इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू इससे थोड़ा अलग होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अलायंस सिस्टम से अलग होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अलायंस सिस्टम में एक सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर होता है दोनों के बीच में क्लियर कट एग्रीमेंट होता है जबकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में दो देश होंगे या दो से ज्यादा देश होंगे जो आपस में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एरियाज में वो कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फॉर एग्जाम्पल टू कंट्रीज सिटिंग टूगेदर ए एंड बी सो दे विल डिसाइड कि ठीक है हमारा और आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलता है लेट अस हैव सम मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेट अस साइन सम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी मिलता है सो लेट अस साइन सम सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करते वक्त टू साइड क्लियरली सी कि उनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या उनका डाइवर्जेंट एरिया है जहां पे भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे वो कन्वर्ज करते हैं वहां पे वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं अब आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यूएस US और यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में बोथ वेयर टूगेदर

स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किए हैं नाम सुन के लगता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है बट ऐसा नहीं है मतलब अलग अलग देशों के साथ इंडिया ने तीस से भी ज्यादा देशों के साथ इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट अभी तक साइन किया पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने फ्रांस के साथ साइन किया था नाइनटीन में तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट मतलब क्लियरली वी सी कि कहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं वहां पे कोऑपरेट करते हैं और अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं जहां नहीं हो सकता है वहां पे कोई कोऑपरेशन की बात नहीं होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर सरल भाषा में बोला जाए तो दो बराबरी के लोगों में होता है और क्लियर कट एरिया इंटरेस्ट होता है वहां पे होता होता है है जबकि अलायंस सिस्टम में एक सीनियर और जूनियर पार्टनर अब अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम देखते हैं करेंट न्यूज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिफ्टींथ ब्रिक्स सबमिट को अटेंड करने के बाद ही विजिटेड ग्रीस इट वॉज अ ऑफिशियल विजिट टू ग्रीस और वहां पर फिर उन्होंने ग्रीस के साथ इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की लिस्ट है इंडिया की तीस से भी ज्यादा देशों की उसमें अब ग्रीस का भी नाम जुड़ गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे दोनों ही देशों ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से एरियाज में हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं तो सबसे पहला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है वो है ट्रेड का दोनों देशों के बीच में ट्रेड का काफी ज्यादा पोटेंशियल है मौजूदा ट्रेड लगभग 1.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और पॉसिबिलिटी है कि 2030 तक हम उसको डबल कर लें तो दैट इज द फर्स्ट टारगेट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसके अलावा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जा सकता है दोनों देशों के बीच में इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा दोनों ही देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों ही देश अपनी अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें बाय कोऑपरेटिंग विध ईच अदर एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेशन किया जाएगा मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप से हमारा मतलब है लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट मल्टी रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि दिल्ली मेट्रो वगैरह है तो ग्रीस के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं बट दे आर वेरी वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी स्मूथ यू में से और 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 यू में से एफिशिएंट तो इंडिया जो है वो ग्रीस से इस एस्पेक्ट में बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करने की कोशिश कर रहा है उसके अलावा कल्चरल कोऑपरेशन तो दोनों ही देश कल्चरल कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे लेकिन अगर आप बात करें इंडिया और ग्रीस के कल्चरल इंटरेक्शन की तो हमारा कल्चरल इंटरेक्शन वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिकल है आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ा भी होगा आर्ट एंड कल्चर में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इट इज बेसिकली आउटकम ऑफ द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर उसके अलावा देर हैज बीन ट्रेडिंग बिटवीन मॉडियन किंग्स एंड ग्रीक किंग्स फॉर अबाउट थाउजेंड ईर्स तो मतलब ढाई हजार साल पहले से ही इंडिया और ग्रीस के बीच में कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ग्रीक किंग्स के क्वाइंस इंडिया में मिलते रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग द मोरियन टाइम सिमिलरली इंडियन किंग्स के क्वाइंस ग्रीस में मिले हैं प्लस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन ऑफ द कल्चर ऑफ द टू साइड्स तो कल्चरल कॉन्टेक्ट रहा है अब मौजूदा टाइम में दोनों साइड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करेंगे मेरा जो मेन गोल था ये आर्टिकल कवर करने का डिस्कसिंग की व्हाट इंडिया हैज डन विद ग्रीस आई वांटेड टू मेक क्लैरिटी अबाउट द टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस पर सवाल पूछा जा सकता है तो अलायंस सिस्टम इट इज इनिशिएटेड बाय अ पावरफुल कंट्री टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द और टेरिटोरियल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर अलायंस सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है यूएस ब्लॉक अपने आप में अलायंस सिस्टम था यूएसएसआर ब्लॉक अपने आप में एक अलायंस सिस्टम था पार्टनरशिप इससे अलग होता है अलायंस सिस्टम इज पार्टनरशिप इज ऑटोनॉमी दोनों की होती है. इसका बेस्ट एग्जांपल यूएस एंड यूएसएसआर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन ऑर्डर टू काउंटर नाजीज करंट एग्जांपल या करंट न्यूज इंडिया हैज साइंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ग्रीस एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बीन आइडेंटिफाइड ट्रेड सिक्योरिटी कल्चर लॉजिस्टिक्स गांधार आर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ऑफ एंशियंट कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन ग्रीस तो इंडिया ग्रीस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे कभी सवाल आ जाए तो आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इंडिया एंड ग्रीस इंजॉय कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोर देन थ्री थाउजेंड इन बाय नाउ इट इज रिफ्लेक्टेड बाई द राइज ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं एक मेन्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है what do you understand by strategic partnership and present a case for India to have a clearer policy on strategic partnership. India का कोई clear policy है नहीं strategic partnership को लेकर के कि क्या grounds होते हैं हमारे strategic partnership agreement sign करने के और एक बार strategic partnership agreement हमने किसी के साथ sign कर दिया तो हमारी क्या responsibilities होंगी towards those countries हमारा कोई strategic partnership को लेकर के clear policy नहीं है तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि क्या हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं तो ब्रीफली डिफाइन कर दिया हमने पार्टनरशिप टू बायलेटरल पार्टनरशिप इन सच एज डिफेंस सिक्योरिटी बट इट इज नॉट एन एक्चुअल अलायंस फॉर इंडिया पार्टनरशिप इज एन इंटेंशन फॉर डीपर एंगेजमेंट इंडिया इज मोर देन थर्टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज मोर देन थर्टी कंट्रीज फर्स्ट वन विद फ्रांस इन नाइनटीन देन यू हिट द मेन एरिया जो पूछा गया पहला तो आपने ये पहले पार्ट को डील uh, कर लिया वट डू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाउ यू डील सेकेंड क्वेश्चन नील फॉर क्लियर पॉलिसी ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप येडिंग दिया आपने. फिर आप बोलेंगे क्लियर पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें इसलिए डेवलप करनी चाहिए क्योंकि अब दुनिया में कोल्ड वॉर डायनामिक्स खत्म हो गया है अब नॉन लैंडमेंट मूवमेंट कोई अब रिलेवेंट रहा नहीं है नैम का कोई रिलेवेंस बचा नहीं है ऐसे टाइम में इंडिया के पास अगर क्लियर कट पॉलिसी होगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो इंडिया कैन बेहतर बेटर कोपरेट विद अदर कंट्रीज बेटर कॉर्डिनेट विद अदर कंट्रीज विदउट गेटिंग पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक सिस्टम कोल्ड वॉर के टाइम में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का क्लियर कट पॉलिसी ना होना समझ आता है अदरवाइज कंट्री माइड बी सीन एज में सिस्टम लेकिन अब कोल्ड वॉर डायनेव अ क्लियर पॉलिसी ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उसके अलावा आर्बिट्रीनेस जो होता है वो फॉरेन पॉलिसी में लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी दिखाता है आपकी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वही आपको पता नहीं है क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो दैट रिफ्लेक्ट्स की यू योर आर कंफ्यूज

जब हमारी क्लियर कट डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तो फिर जिन जिन देशों के साथ हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया है एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तुमने चाइना के साथ भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ठीक है तो जिन जिन देशों के साथ हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है उन देशों के साथ अगर अब जब हम हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर कर देंगे ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर देंगे तो हमारे ऊपर कई सारे ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे हमने चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन किया है और अब हम कहेंगे मतलब अलाउ करेंगे नहीं कर पाते ना हमने टिकटॉक को बैन किया 2020 में ऑन सिक्योरिटी चैलेंजेस तो कॉम्प्रोमाइज विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो सकता है इफ वी क्लियरली डिफाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखो सरल सी बात है जो आदमी एकदम क्लियर कट डिफाइन कर देता है अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने Principles, फिर वो आदमी उसके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी रहती नहीं है राजा हरिश्चंद्र ने नहीं बनना चाहिए इंटरनेशनल इफ यू डिफाइन योर पॉलिसी योर फिलोसफीज देव इनफ स्कोप फॉर मनोवरी तो दैट व्यू डी टू कॉम्प्रोमाइज विद्रैटेजिक ऑटोनॉमी इफ यू क्लियरली डिफाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और यही कारण है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो हम साइन करते हैं लेकिन एक्जैक्टली exactly क्या पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में वो हम डिफाइन नहीं करते समटाइम्स एम्बिग्यूटी इज पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल सी इंडिया इंडिया इज में सेम टाइम इंडिया इज में यहाँ पे बी आर आई सी एस होगा तो एक तरफ हम क्वाड में यूएस के साथ अलायंस करते हैं दूसरे तरफ रशिया और चाइना जो यूएस के सबसे बड़े एंटी कंट्रीज है उनके साथ भी अलायंस कर रहे हैं हम लोग एस सी ओ में ब्रिक्स में तो अपने आप को परमानेंटली कमिट ना करना कहीं भी ये अपने आप में एक पावर है तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करो विदाउट डिफाइनिंग वट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट इज ऑल्सो ए पावर सो दीज आर सम बेनिफिट्स सो इस तरह से कंक्लूजन लिखा जा सकता है कि द करेंट स्टैंड ऑफ इंडियाज फॉरिन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट अलाउज इट ग्रेटर फ्लेक्सीबिलिटी इन डेजिग्नेटिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स अलग अलग पार्टनर्स के साथ अलग अलग तरीके से डील करने में हमें मदद मिलती है चाइना भी है फ्रांस भी है ग्रीस भी है सबको एक साथ तो नहीं एक जैसा तो नहीं ट्रीटमेंट दे सकते ना

को कनेक्ट करता है विथ यूरोपियन मार्केट स्पेशली रशियन मार्केट्स फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया व्लाडी कैन बी कनेक्टेड विथ सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रशिया थ्रू दिस नॉर्थ सी रूट तो नॉर्थ सी रूट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया में ये लैंड लॉजिस्टिक्स इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बीच वाला जो ये साइबेरियन रीजन है ये काफी कोल्ड है यहां से ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल है सो रशिया वांट्स टू डेवलप दिस नॉर्थ सी रूट नॉर्थ सी रूट की प्रॉब्लम क्या है कि इट पासेज थ्रू आर्कटिक सी तो ये पैसिफिक को कनेक्ट करता है अटलांटिक से लेकिन इट पासेज थ्रू आर्टिक सी और ये नॉर्थ सी रूट जो है लगभग दस महीनों तक साल में क्लोज ही रहता है बंद ही रहता है तो इस कारण से ये नॉर्थ सी रूट इज अ प्रॉब्लमेटिक इट हार्डली इज फंक्शनल फॉर टू मंथ्स इन अ ईयर लेकिन हाल फिलहाल में इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कई सारी स्टडी हुई और बताया गया कि अगर नॉर्थ सी रूट को परमानेंटली खोल दिया गया तो कनेक्टिविटी डिस्टेंस वाइज टाइम वाइज या कॉस्ट वाइज ईस्टर्न एशिया की कनेक्टिविटी विथ यूरोप कैन कम डाउन या कॉस्ट टाइम कैन कम डाउन बाय फिफ्टी परसेंट तो एक मेजर बेनिफिट हो सकता है ट्रेड के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के लिए अगर नॉर्थ सी रूट को परमानेंटली ओपन कर दिया गया तो द प्रॉब्लम इज दैट इट डज नॉट वर्क फॉर अबाउट टेन मंथस तो हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी आई इस डायरेक्शन में कि 50 परसेंट तक का बेनिफिट हो सकता है टाइम में और कॉस्ट में और डिस्टेंस में और इसी डायरेक्शन में रसिया काफी काम भी कर रहा है तो रसिया हैज बिन फोकसिंग ऑन मेकिंग एन एस आर नॉर्थ सी रूट फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर और फिर रसिया ने क्या किया है रसिया ने आइस ब्रेकिंग असिस्टेंस सिस्टम डेवलप किया इस तरीके के उसने नेवल सिप डेवलप किए हैं जो आइस को ब्रेक करते हुए आगे चल सकता है यानी कि अगर नॉर्थ सी रूट फ्रोज़न भी है तब भी इस तरह के नेवल सिप रसिया डेवलप कर चुका है जो आइस को ब्रेक करते हुए आगे चल सकता है और ये जो आइस ब्रेकिंग असिस्टेंस सिस्टम है जो रसिया ने डेवलप किया है पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट तो अगर इस तरीके के फ्लीट डेवलप कर दिए गए तो नॉर्थ सी रूट कैन बिकम फंक्शनल थ्रू आउट दैट कुछ कनेक्टिविटी एटलीस्ट ईस्टर्न एशिया रीजन विथ यूरोप इज कंसर्न स्पेशली नदर यूरोप स्कैंड कंट्रीज क्योंकि अगर मौजूदा टाइम में इन दोनों रीजन को कनेक्ट करना है तो हमें मूव करना होता है थ्रू सुवेज कनाल या फिर

और इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है तो इंडिया इस रीजन में ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया ने फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है ईस्ट एशिया समिट के अंतर्गत और अब इंडिया जो है उसने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है टू वर्क विथ रसिया इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ सी रूट एंड मेकिंग फंक्शनल मेकिंग फंक्शनल थ्रू आउट दर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कई सारे ऑलरेडी यहाँ पे इंगेजमेंट कर रखे हैं आर्कटिक रीजन में फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज बीन सिग्नेटरी ऑफ स्वालबार्ड ट्रीटी तो स्वालबार्ड ट्रीटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है विथ रिस्पेक्ट टू आर्कटिक रीजन स्वालबार्ड ट्रीटी के अंतर्गत दुनिया के देशों ने आपस में कमिट किया है कि नो कंट्री विल मिलिटराइज स्वालबार्ड इनफैक्ट इंटायर आर्कटिक रीजन ये एरिया जो होगा आर्कटिक रीजन इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्लोबल कॉमन मतलब दुनिया के सारे देशों को कलेक्टिव तरीके से बिलोंग करेगा एंड नो कंट्री विल मिलिटराइज इट स्वालबार्ड ट्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एन एस आर अदरवाइज किसी भी कंट्री ने इसको मिलिटराइज कर दिया तो फिर नॉर्थ सी रूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो एन इंपॉर्टेंट टॉकिंग अबाउट नो मिलिटराइजनिक रीजन जिसका इंडिया सिग्नेटरीबार्ड अब देखो सॉलबार्ड नाम कहां से पर छोटा सा टेरिटरी है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जाननी चाहिए कि दुनिया के देशों ने सवालबार्ड के अंदर एक सीड बैंक बना रखा है सीड बैंक चूंकि एरिया काफी ज्यादा कोल्ड है ऑलरेडी फ्रोजन है तो जो भी इंडिजीनस सीड्स हैं अलग अलग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट सीड्स उनको यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि ठंडा टेम्परेचर होने के कारण ये सीड्स बर्बाद नहीं होंगे तो किसी कारण से पूरे दुनिया भर में कोई कैटेस्ट्रॉफी आ जाती है मान लीजिए तबाही आ जाती है सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के सीड्स बचे होने चाहिए जिससे दुनिया को वापस से रिवाइव किया जा सके इसी ख्याल से सोलबर्ड के अंदर सीड बैंक बनाया गया है तो ये ड का सीड बैंक एक अलग कहानी है बात चल रही थी सॉलबर्ट ट्रीटी की तो मैंने सोलबर्ट सीड बैंक का नाम ले लिया बट सॉलबर्ट ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट एज फार एज आर्टिक रीजन इज कंसर्न बिकॉज इट हेल्प इन कीपिंग दिस उसके अलावा इंडिया ने रिसर्च स्टेशन भी बनाया है आर्टिक रीजन जिसका नाम है हिमाद्री इंडिया ऑल्सो इंजॉय ऑब्जर्वर स्टेट इन आर्कटिक काउंसिल आर्टिक काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज मेनली कंप्राइजिंग ऑफ आर्टिक स्टेट्स These are Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, कनेडा and फिनलैंड us also and india has been enjoying observer status since तो इंडिया so, को ऑलरेडी काफी सारा इंटरेस्ट है इस रीजन में और ये अगर mein aur ye agar हो जाता है वही hai आर्टिकल कह रहा है raha hai nsr functional हो जाता है तो इंडिया का एनर्जी इंटरेस्ट भी पूरा होगा ट्रेड में भी इंडिया को फायदा मिलेगा एज फार एज इंडिया कनेक्टिविटी विद स्कैंडियन कंट्रीज आर कंसर्न

एम्स एट कीपिंग रीजन डी मिलिटराइज स्वालबर्ट की बात चली तो हमने बात एक एक्स्ट्रा कर लिया यहाँ पेज वर्ल्ड सीड बैंक टू इस टॉपिक विशेष प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्लीज दिस क्वेश्चन स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट इंडिया के अंदर अलग अलग बर्ड्स को ऑब्जर्व करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है वो रिपोर्ट बताता है और या ये पूरा आइडिया देता है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड पार्टनरशिप और ऑफ इंडिया बर्ड पार्टनरशिप है ये एक ग्रुप है ऑफ थर्टीन थर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया देखिए तेरह से कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल कुछ जो है एनजीओ हैं ये तेरह ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये सब तेरह ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक दिन मैं आपको बता रहा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया का सबसे पुराना एनवायरमेंट रिलेटेड एनजीओ को बताया था मैंने एटीन में बनाया गया इसको तो ये तेरह ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के बनाए हैं बनाए हैं इन्होंने स्टेट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप स्टेट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के बनाए हैं और स्टेट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है ये पब्लिश करता है स्टेट ऑफ इंडिया बोर्ड रिपोर्ट और स्टेट ऑफ इंडिया बोर्ड रिपोर्ट हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिस इज द सेकेंड सच रिपोर्ट पहला इनगरल रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी

सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन उसके अलावा जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न जहां पर बहुत फास्ट तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है वो है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन तो हॉटस्पॉट आपको पता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिफाइन किया है दुनिया भर के अलग अलग अब आई थिंक थर्टी सिक्स या थर्टी एट जगहों को एरियाज आर हैविंग वेरी हाई फ्लोरा एंड फोना बायोडाइवर्सिटी तो इंडिया के अंदर तीन इस तरह के हॉट हॉटस्पॉट्स हैं एक सूडा आइलैंड में आता है अपना अंडमान निकोबार वाला तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड भी है कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे इंडियन पी फाउल विच इज कंसिडर्ड एज इंडिया नेशनल बर्ड प्लस जैसे कि एशियाटिक कोयल इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है बट इनका पॉपुलेशन जो है वो लगभग 150 परसेंट से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है इस कारण से कुछ निगेटिव चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि क्रॉप डैमेज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आसपास के को डैमेज कर रहे हैं सो दीज हैंज बोर्ड रिपोर्ट सम फाइंडिंग्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बोर्ड रिपोर्ट 2023 स्टेट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई स्टेट ऑफ इंडिया बोर्ड पार्टनरशिप विच इज अ ग्रुप ऑफ थर्टीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन

की जो सरकार है उसकी हंड्रेड कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें काफी इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है आप सबके पर्सनल इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है आप में से कई सारे लोग

दो या तीन सब डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे और उसको हेड करेगा एडीसी नॉर्मली आई थिंक मेरी जितनी समझ है कि वो एक एसीएस ऑफिसर हेड करेंगे और एसीएस ऑफिसर जब एडीसी होंगे तो वो सब डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे और उनके पास ठीक वैसे ही पावर होंगे बिल्कुल जैसे एक डीसी के पास होते हैं व्हेन हेडिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल तो डीसी भी बनते हैं एसीएस ऑफिसर लेकिन थोड़ा लेट लगता है प्रमोशन में लेकिन एडीसी तो जल्दी बन जाते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे जस्ट लाइक डीसी हेड्स डिस्ट्रिक्ट और डीसी जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट में मैक्रो मैनेजमेंट करेंगे मतलब मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखेंगे लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडीसी के पास पूरा पूरा पावर होगा डिसीजन मेकिंग का उनके पास तमाम वो डिपार्टमेंट होंगे जैसे डीसी के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और ये जो नया सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी सो डीसी विल बी देयर बट विल लुक अब आफ्टर द माइक्रो पिक्चर ओवरऑल पिक्चर बट सब डिस्ट्रिक्ट में द माइक्रो पिक्चर

कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं पेंगोंग सो लेक इट इज इंडिया इनफैक्ट वर्ल्ड हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक दैट इज ट्रू लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है रामसार कन्वेंशन में भी नहीं है पहले इसके लिए इनर लाइन परमिट लगता था अब नहीं लगता सो करेक्ट आंसर इज वन ओनली मैकमोहन लाइन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है मैकमोहन लाइन वॉज कंफर्म इन नाइनटीन फोर्टीन नॉट नाइनटीन ट्वेंटी थैंक्स फॉर वॉचिंग